जी आपका नेताजी टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे सांसद साहब हैं राम सुंदर दास जी। सर आपने राजनीति के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, आपके समय में जो राजनीति की स्थिति थी आज वो बिल्कुल भिन्न है, इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए ये सब लोगों को मालूम है आज ये संकट चारों तरफ है, देखते नहीं आया राम गया राम शुरू हो गया है। जब राजनीति सिद्धांत आधारित राजनीति थी तो आज जो विकृतियां आपको मालूम पड़ती है चारों तरफ वो विकृतियां दिखाई उस समय नहीं पड़ती। चढ़ाव उतार होता है राजनीति में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेसिक बात जो है उससे अगर बिलगाव हो जाता है तो दिक्कत होती है। दूसरी बात है कि आज देखिएगा इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता सारे देश में है। आज आपसे और हमसे कोई पूछे कि रूलिंग पार्टी कौन है, एक रूलिंग पार्टी का नाम लीजिए तो रूलिंग पार्टी का नाम कांग्रेस तो लेंगे आप, लेकिन वो भी तीन चार सहायक पार्टियों से एक के बल पर उछल रही है। अपोजिशन की वही हालत है, हर आदमी कह रहा है वो पार्टी बनाए हुए है तो जो बेसिक मापदंड है उसको मान करके वो कहता है कि हम ऑल इंडिया पार्टी हैं, लेकिन सब रीजनल पार्टी का कैरेक्टर हो गया है ऑल इंडिया पार्टी का भी। तो इससे राजनीतिक अस्थिरता में देश चलता है तो तरह तरह की विकृतियां आपको दिखाई पड़ेगी। सर जो कांग्रेस की जो सरकार है वो रोज किसी न किसी मुद्दे पे पटकनी खा जाती है, या उन्हें विपक्ष के लोग या अपने जो सहयोगी दल हैं वो भी किसी न किसी मुद्दे पे उन्हें धरसाई कर देते हैं। आप पहले ही दे दिया, उसका विश्लेषण आप कर लेंगे जी, क्यों ऐसा हो रहा है जी। ऐसा देखा था जो घटना घट रही है, हमारे इतनी बातों को अगर व्याख्या कीजिएगा आप तो सबका जवाब मिल जाएगा जी। जी नीतीश जी ने कल जो कहा है कि बिहार के लोगों के बारे में दिल्ली में, तो नीतीश जी ने कल बिहार के मुद्दे पे कल एक बात उठाई थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिबा ने उसका खंडन भी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के सफाई देने की बात है, ये बात ठीक है कि सभी जगह आज जो बिहार में के लोग नहीं थे हैं, बिहार के नाम से लोग भटकते थे, आज बिहार ने जो काम किया है सिद्धांत है जमीन पर जो आज है वो आपको बता दें कि बड़ी बात हो जाएगी। आप कैसे कीजिएगा हम नहीं जानते, जैसे अब सदियों से जो राजनीति की और समाज की मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे उसको जोड़ने का काम किया है। हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाने का जो व्यवस्था की है, निर्भय होकर के लड़कियाँ जाती हैं, वहाँ सड़कों का विकास हुआ है, सारी जो सुविधाएं हैं उसका विकास हुआ है एक शब्द में हम कहें तो। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हुई है कि जो सदियों से लोग राजनीति और समाज की मुख्यधारा से कटे हुए थे उनको जोड़ने का काम किया है। वैसे ही लोग आए हुए हैं बिहार का नाम सुनकर के, जहाँ लोग भरकते थे आज बिहार की आदत की दृष्टि से देखते हैं। तो नीतीश कुमार जी की बात उस तरह से वो ठीक ही है। अब शीला दीक्षित या कोई आदमी कहे तो उनकी अपनी अपने विचार हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उसी लहजे में कहा कि हमने जो किया है और उसका जो प्रभाव पड़ा है बिहारियों पर उससे इस स्टेट को काफ़ी लाभ हो रहा है होगा, इसी दृष्टि से कहा। सर एक अंतिम सवाल, जो नए युवा सर आ रहे हैं सांसद बनके, उनको आप लोग किस तरह से देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने जिंदगी में बहुत सारे जो नए युवा आ रहे हैं सांसद चुनके उनमें आपने देखा होगा सर आप लोगों के समय में जो राजनीति थी या जो आज जो है, तो उन नए लोग युवाओं में आप कौन सी चीजों को और डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो। ये पहली बात तो वो जो चुन करके आए वो पार्टी के पार्टी से चुन के आए हैं जी, जिन विचारों का प्रचार हो रहा है उससे प्रभावित होकर के आए,
उन्हीं बातों को वो हर जगह रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि कभी कोई आदमी कहीं चुन के जाता है, क्यों कह रहे हैं एमपीए, क्यों कह रहे हैं क्लर्क जाता है तो पहले तो उसको देखना पड़ता है, सब सीखना पड़ता है। तो नया एमपी हमारे बहुत अच्छे कर रहे हैं पार्लियामेंट में, नए एमपी हमसे पूछिएगा कि क्या किए हुए हैं, तो हम तो बीमारी से मर रहे हैं, हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बहुत पुराने और सबसे उम्र दराज आदमी हैं। लेकिन हमारे जो युवा एमपी आए हैं वो जिज्ञासु हैं, पार्लियामेंट का काम अच्छी तरह से करते हैं और आगे बढ़ना ये अपनी बातों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो सभी तरह से अच्छे हैं जी। नेताजी टीवी से बात करने सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।